डीजी खान सीमेंट इसका फंडामेंटल और वो डिस्कशन करते हैं शेयर प्राइस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लेकर। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स इन डेप्थ नहीं डिस्कस कर रहे, जस्ट एंड जस्ट हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के पॉइंट से डिस्कशन करेंगे, प्लस फंडामेंटल सिचुएशंस को जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीजी खान सीमेंट जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो डीजी खान सीमेंट उनमें से एक है और शायद पहले नंबर पे होगा कैपेसिटी के एतबार से। तकरीबन 4.2 मिलियन टन पर एनम इसकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, ठीक है जी। इसके अलावा इसके 3 प्लांट्स हैं जो कि डेरा गाजी खान में, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट चकवाल में हैं, और ज़्यादातर जो बेसिक है ये ड्राई प्रोसेस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट है, और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं इसके पास, और सेल्स भी बड़ी रीजनेबल है। लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 13 अरब रुपए की सेल्स थी, ऑल दो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हुई है। और ये निशात ग्रुप का पार्ट है, मियां मंशा ग्रुप है जी ये भी, और बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है सीमेंट सेक्टर को जो एक डैमेज पड़ रहा था वो जनरल भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक तो डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत मैटर करती है क्योंकि इन्होंने कोल प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में वेरी कर रही होती हैं, डॉलर्स में होती हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और वो आपके नॉलेज में होगा। अगर पैसों के एतबार से देखें तो तकरीबन 84,000 से 90,000 रुपये के करीब भी एक एवरेज रेट काफ़ी अरसे तक रहा है फीट मैट्रिक टन का। उसके अलावा जो अभी इसकी प्राइस काफ़ी डिप ले चुकी है, हाफ रह चुकी है, तकरीबन 39 से 40 हज़ार रुपये फीट टन पाकिस्तान में इसका रेट चल रहा है। तो इस एतबार से एक तो ये अब प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन दूसरी साइड पे डॉलर का रेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसमें वो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट या इम्पैक्ट पॉजिटिव नज़र शायद ना आए, क्योंकि तकरीबन 28 से 30% एक साल में, तो अगर टोटल देखें तो ये पिछले एक साल में तकरीबन 40 से 45% डीवैल्यूएशन हो चुकी है, डॉलर का रेट बढ़ चुका है, तो इस वजह से ये इतना इम्पैक्ट आपको शायद नज़र ना आए। लेकिन ओवरऑल इसका जो लो था कोविड में, और कोविड के जो 2019 के एंड जो अगस्त में एक लो लगाए थे तमाम शेयर्स ने, वो रेट था तकरीबन 40 से 41 रुपए के दरमियान, और ये अभी उसी रेट के गिर्द घूम रहा है। उससे पहले अप्रैल 2012 में इससे निचले लेवल का लो लगा था 2012 में तकरीबन 36 से 37 रुपए का, और उससे पहले दिसंबर 2011 में 19 रुपए के करीब था, 18.5 से 19 रुपए के करीब उसका लो लगा था। और एवरेज इसकी जो प्राइस स्टेबल होती है वो होती है जी तकरीबन 62 रुपए से लेके 80 रुपए के दरमियान, लेकिन इसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल होता है जब प्रोडक्शन क्या उसको कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में तेज़ी आती है, तो फिर ये यकीन 100 रुपये क्रॉस कर जाता है, और बड़ा इजीली कर जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट शेयर है, बहुत तेज़ी से मूव नहीं करता, स्लो मूविंग प्राइस होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू पायनियर सीमेंट, तो और चिराट सीमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, इसका फ्री फ्लोट ज़्यादा है तो ये थोड़ा स्लो मूविंग होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दो तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है, एक तो आप ये कर सकते हैं कि 36 रुपीज़ या 35 रुपी का स्टॉप लॉस लगा लें क्लोजिंग बेसिस पे, और तब तक आप बाइंग करते जाएं, या एक तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर आप रिस्क बहुत ही कम लेना चाहते हैं तो आप ये जो पिछला लो लगा ना 40 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ से नीचे अगर क्लोजिंग आए तो आप एग्जिट ले लें, फिर वेट कर लें स्टेबल होने का। और टारगेट यकीनन जो मैंने आपको बताया है तकरीबन तकरीबन 62 रुपये से लेके 80 रुपये के दरमियान आप इसको बड़ा नॉर्मल वे में ट्रीट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से, और एक साल में ये आपको डबल कर जाएगा। दूसरा शेयर है जी MLCF। अब हम उसकी बात करते हैं मेपल लीव सीमेंट की, तो मेपल लीव सीमेंट भी एक ओवरऑल ये कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स ग्रुप है जी, और इसमें काफ़ी इसमें भी काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि एक्टिविटी भी बड़ी तेज़ होती है, ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट शेयर है,
और इसमें मूवमेंट बड़ी शानदार किस्म की होती है, और TRG भी अब मेरे ख्याल में अब इसकी एसोसिएटेड कंपनी बनती है, क्योंकि TRG की जो टॉप लीडरशिप है वो कोहनूर फैमिली, जो सैगल फैमिली है, वो ही डील कर रहे हैं। ये एक अच्छा ग्रुप है, नॉट अ बैड ग्रुप, और इसमें तकरीबन जो है मूवमेंट आपकी एवरेज रहती है, अगर आप इसको देखें 2019 में जो लो लगा था इसका, वो लगा था 13.5 रुपए का, और वैसे जो उसके बाद 2020 में मार्च वाले लो कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट लोज थे, तो वो 16.28 रुपए का लो लगा था, और अब ये 21.36 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से वर्क कर सकते हैं कि तीन चंक्स में आप इसको बाय कर सकते हैं, और पहला जो आपकी बाइंग बनेगी तकरीबन 20 से करंट रेट से लेके 20 रुपए के दरमियान, थोड़ी थोड़ी 30% बाय कर सकते हैं। फिर सेकंड बाइंग आपकी आएगी तकरीबन 17 से 18 रुपए के दरमियान, और आपका स्टॉप लॉस होगा यही 13.5 रुपए से नीचे की क्लोजिंग। और इसका भी जो एवरेज रेट होता है जिसमें ये मूव करता रहता है, बड़ा इजीली करता है, वो होता है ये तकरीबन इसका 36 से 40 रुपए का रेट होता है जो एवरेज इसका रहता है, और जब ये अपने पीक पे होता है तो यकीनन ये 50 रुपए तक का इसका टारगेट हो सकता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो डबल के करीब तो इसका टारगेट एक एवरेज प्राइस भी बन सकती है, और 3 गुना के करीब जा सकता है जब ये अपने पीक आउट होगा इसकी प्राइस। तो इस हिसाब से मैपल लीफ को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी आप देख सकते हैं, और अभी भी इसका भी प्रॉब्लम वही है जो मैंने आपको जनरल सीमेंट इंडस्ट्री का बताया था, डॉलर की फ्लक्चुएशन, कोल की प्राइसेस, जो कि अब कोल प्राइसेस काफ़ी कूल डाउन हो चुकी है लेकिन डॉलर का रेट अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। जैसे ही IMF पैकेज आता है और थोड़ा सा डॉलर का रेट डिप लेता है, जो कि अब ड्यू भी है उसमें करेक्शन 22 से 25 रुपए की एटलीस्ट, तो फिर जाके ये आपको एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है।